दोस्तों अगर हम एक साल पीछे चले जाएं, तो YouTube सिर्फ मोनिटाइज वाले चैनल पर ही ऐड चलाता था। लेकिन फिलहाल में YouTube ने एक नया नियम निकाला कि अब से बिना मोनिटाइज वाले चैनल पर भी ऐड चलेगा। अब गाइस सोचने वाली बात यह है कि आखिर YouTube बिना मोनिटाइज वाले चैनल पर ऐड क्यों चला रहा है? इस रूल से न्यू यूट्यूबर को क्या नुकसान और क्या फायदे हैं? आइए आज की इस वीडियो में YouTube की काली सच्चाई के बारे में जानते हैं। दोस्तों जब हम YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले ऐड आ जाता है, तो ऐड आते ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन वो चैनल बड़ा होता है तो हम जल्दी से उस ऐड को स्किप कर देते हैं और फाइनल वीडियो देखने लग जाते हैं। लेकिन गाइस अगर वही कोई नया यूट्यूबर होता जिसके 100 या 200 सब्सक्राइबर्स होते, तो क्या आप उसकी वीडियो में आने वाली ऐड को स्किप करते? हाँ या नहीं, नीचे आप कमेंट करके बताइए। अब गाइस मेरे हिसाब से 10% ही ऐसे लोग होंगे जो उस ऐड को स्किप करेंगे, बाकी के 90% लोग ऐड आने पर वीडियो को ही हटा देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो वो नया चैनल है, उस पर सब्सक्राइबर्स भी कम हैं, तो व्यूअर्स सोचेंगे कि ये वीडियो में क्या ही अच्छा दिखा देगा, ये सिर्फ टाइम पास करेगा और ऊपर से ये ऐड आ रहा है, इससे अच्छा इसकी वीडियो को ही हटा देता हूँ, दूसरी वीडियो को देख लेता हूँ। ये कहकर व्यूअर्स आपकी वीडियो को ही हटा देगा। आपकी वीडियो लाख गुनी अच्छी है लेकिन जब लोग देखेंगे ही नहीं तो आपकी वीडियो चलेगी कैसे? तो ऐसे होता है न्यू यूट्यूबर का नुकसान। अब बात करते हैं कि इस ऐड से बिना मोनिटाइज वाले चैनल के फायदे क्या है। लेकिन इसे जानने से पहले हमें YouTube की काली सच्चाई के बारे में जानना पड़ेगा। सो गाइस जब YouTube ये ऐड वाला नया नियम लाया था तो बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये बिना मोनिटाइज वाले चैनल पर ऐड चलाने से YouTube को फायदा क्या होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब YouTube मोनिटाइज वाले चैनल पर ऐड चलाता है तो उस ऐड से जितनी भी कमाई होती है उसका 45% हिस्सा YouTube खुद रख लेता है और बाकी के बचे 55% हिस्सा यूट्यूबर को मिलता है। लेकिन गाइस जब YouTube बिना मोनिटाइज वाले चैनल पर ऐड चलाता है तो उस ऐड से जितने भी पैसे बनते हैं उन सब को YouTube खुद रख लेता है क्योंकि उसका चैनल मोनिटाइज नहीं है। तो ये है YouTube की रणनीति बिना मोनिटाइज वाले चैनल पर ऐड चलाने का। अब बात कर लेते हैं कि बिना मोनिटाइज वाले चैनल पर ऐड आने से न्यू यूट्यूबर को फायदे क्या है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिना मोनिटाइज वाले चैनल पर जितने भी पैसे बनते हैं उन सबको YouTube खुद रख लेता है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर वीडियो पर व्यूज आएंगे तो तभी ना YouTube उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाएगा। तो गाइस YouTube ज्यादा पैसा कमाने के लिए उस वीडियो को, आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंडेड करता है, मतलब आपकी वीडियो को दूसरे लोगों के पास भेजता है ताकि उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, उस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा ऐड चले और उस ऐड से जितने भी पैसे बनेंगे वो सब मैं यूट्यूब खुद रख लेगा। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो हमारा भी फायदा है, अगर वो वीडियो को लोग देखते हैं तो उस पर ज्यादा व्यूज भी आएंगे और उससे सब्सक्राइबर्स भी बनेंगे। तो गाइस मैं मानता हूँ कि उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, लेकिन ऐसी ऑडियंस का क्या फ़ायदा जो हमारे वीडियो में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मतलब YouTube आपकी वीडियो को बिना इंटरेस्ट वाले लोगों के पास भी भेज देता है। वे लोग बस वीडियो को ये सोच कर देखते हैं कि आखिर इस वीडियो में है क्या। मतलब आपके चैनल पर 90% ऐसे लोग आएंगे जो आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बाकी के बचे 10% लोग ही आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड होते हैं। तो गाइस इसका नुकसान तब होता है जब आप अपनी अगली वीडियो अपलोड करते हैं क्योंकि उस वीडियो पर सिर्फ 10% ही लोग आएंगे, मतलब उस वीडियो को सिर्फ 10% ही लोग देखेंगे और वो भी आएंगे या नहीं उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और आपने बहुत से ऐसे चैनल को भी देखा होगा जिनकी एक वीडियो वायरल हो जाती है, उस पर बहुत सारा व्यूज होते हैं, लेकिन उसके बाद वो दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं तो उन पर व्यूज कम आते हैं। तो यही मेन कारण होता है व्यूज कम आने का। और गाइस यही नहीं, इसका सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाता है। जैसे ही यूट्यूब को मालूम चलता है कि आपका चैनल मोनिटाइज हो गया है तो यूट्यूब आपको सपोर्ट करना बंद कर देता है। वो साफ साफ कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत मदद की
अब से तुम खुद अपने बल पर व्यूज लाओ। तो गाइस अगली बार जब आप वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपके सिर्फ 10% सब्सक्राइबर्स ही उस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि 19% लोग आपके वीडियो से इंटरेस्टेड नहीं है, उनके पास आपकी वीडियो जाएगी भी लेकिन वो क्लिक नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उस वीडियो पर व्यूज कम आएंगे। जब व्यूज कम आएगा तो यूट्यूब उस वीडियो को दूसरे लोगों को पास भी नहीं भेजेगा, क्योंकि वो साफ कहेगा कि जब इसके सब्सक्राइबर्स ही वीडियो नहीं देख रहे हैं तो दूसरे लोग क्या देखेंगे, जिसकी वजह से ऐसी वीडियो डेड हो जाती है। तो ये है यूट्यूब की काली सच्चाई। लेकिन गाइस ये जितने भी मैंने आपको बातें बताई है ये सब उन पर लागू होता है जिसकी वीडियो में कोई दम नहीं है, जिनका वीडियो बेकार है लेकिन वो YouTube के सपोर्ट की वजह से उनकी वीडियो चल गई या वायरल हो गई। लेकिन वही अगर आपकी वीडियो में दम है और आप अपने कंटेंट के बल पर व्यूज लाते हैं तो ये बातें आप पर लागू नहीं होती। अगर आप अपने वीडियो के दम पर व्यूज लाते हैं तो आप अगली बार भी वीडियो अपलोड करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो पिछली वीडियो थी उससे भी ज़्यादा व्यूज आए। सो गाइस ये थी YouTube की काली सच्चाई। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शुरू कर देना। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।